दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हो आप। जो है ये देखो, ये रहा मेरे पास कोट ब्लेजर जो बिल्कुल यूजिंग है। इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस लगाना सिखाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप एक दर्जी हो तो कोट प्रेस लगाने का आपके पास बहुत ज़्यादा आता होगा, तो आप कोट प्रेस लगाकर कुछ पैसे कमा सकते हो, या आपका जो है कोट ब्लेजर है तो आप प्रेस कैसे लगाएं आप सीख सकते हो बिल्कुल डिटेल्स में, अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल प्रेस कैसे लगता है मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए, ये प्रेस लगाने के लिए टूल्स जो है सिलाई के समय जो ज़रूरत होता है, स्लीव्स का प्रेस लगाने के लिए और आर्म होल का प्रेस लगाने के लिए, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। क्यों यूज़ नहीं करूँगा? क्योंकि जो नॉर्मल लोग होंगे वो ये चीज़ कहाँ से लाएंगे, तो मैं जो प्रेस करूँगा इसके सहारा हर चीज़ प्रेस करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं मोरा गद्दी, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रेस करते हैं अच्छे तरीके से डिटेल्स में, स्टेप बाय स्टेप। और आपके पास एक कॉटन कपड़ा, सूती का कपड़ा इस तरीके से होना चाहिए, इससे क्या होगा कहीं लाइट ना आए कोट पे या जले ना। तो चलिए आपको अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर दिखाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो पहले ही लाइक कर दें इस वीडियो को और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा रहा आप सभी को लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्त, स्लीव से कर लेते हैं, ओके, बाजू से। तो ये देखिए, स्लीव्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि इसमें आप देख रहे हैं ऑलरेडी, इसमें देखिएगा आप क्रीच पहले से बना हुआ होगा, जो प्रेस हुआ है पहले से इसमें क्रीच बना हुआ होगा, तो इसको करना कुछ नहीं, उसी क्रीच पे इस तरीके से जहाँ तक है इसको इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है, सरिया लेना है, अस्तर को भी सरिया लेना है, नहीं तो जहाँ अस्तर गैदरिंग टाइप का रहता है मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से ये देखिए, ये कॉटन कपड़ा जो है इसके ऊपर से रख दे, फिर जो है प्रेस लगा। इसको हटा कर देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए बिल्कुल कितना आसानी से ये जो है प्रेस हो गया। अब इसी को इसको इस तरीके से अब इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, स्लीव्स जो है प्रेस हो गया। अब ये जो रह गया ना, इसको कैसे प्रेस करेंगे, ये सब पार्ट को मैं इसके द्वारा प्रेस करूँगा, इसके द्वारा, ठीक है। ये पैर में ठेहुना में पहन कर इसको प्रेस करते हैं, बट मैं ठेहुना में नहीं पहनूँगा इसको, आपको जितना आसान से आसान तरीका हो। ये देखिए, इसको हमने नीचा को इस तरीके से रख लिया, ठीक है। नीचा रखने के बाद इसको इस तरीके से प्रेस लगाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से हमने हाथ पे इसको ले लिया इस तरीके से, और इसको प्रेस लगा देंगे, जो भी घिसराया हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से बैठा देंगे। अब इसको इस तरीके से खड़ा करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से ये बैक साइड में पीछे में इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये देखिए। मैं आपको अब दिखा दूँ ये किस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए प्रेस लग गया। अब सेम स्लीव्स यानी कि बाजू, ये भी बाजू में सेम इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे,
ये देखिए अभी अच्छे तरीके से प्रेस हो गया। Thank you.
Thank you.